हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसके लिए फरवरी में 17 व 18 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एग्जाम बड़े पैमाने पे लीक हुआ। राजीव नैन नाम का जो मास्टरमाइंड है वो देखने के लिए मिला, प्लस उसकी पूरी टीम देखने के लिए मिली। दूसरा, आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है, एक और नया मास्टरमाइंड इसमें निकल के सामने आया है। अगर इन मास्टरमाइंड के गेम प्लान को देखें तो आप लोग अपनी जिस पोस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आपकी थी ही नहीं, यानी वो नकलचियों के हाथ में जा चुकी थी। धन्यवाद करेंगे विवेक सर का, और जो टीचर हैं उनका भी, नवीन सर का भी, और जो छात्र छात्रा लखनऊ में इको गार्डन में धरने में पहुंचे, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया उन सभी का, कि इस भर्ती का री एग्जाम आपको देने के लिए मिलेगा, वरना आपके लिए इस भर्ती में कुछ नहीं बचा था। जो परीक्षा पहले ही 10 दिन पहले ही लीक हो गई हो उसमें आपके लिए बचा क्या? कुछ नहीं बचा। एक और नया मास्टरमाइंड आज निकल के सामने आया। जरा मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देखिएगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिपाही भर्ती लीक गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार, एसटी अपने रवि अत्री को गौतम बुद्ध नगर के खुर्जा बस स्टैंड से पकड़ा। रवि अत्री नाम का एक और मास्टरमाइंड पहले भी हुआ गिरफ्तार। रवि अत्री को दिल्ली पुलिस ने 2012 में भारतीय स्टेट बैंक की स्टेनोग्राफर परीक्षा में नकल कराने के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। तो देखिए, सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या है? अगर कोई नकलची गिरफ्त में आ जाता है या सरगना गिरफ्त में आ जाता है तो वो पैसे के बल पे, है ना, छूट के बाहर आ जाता है। इनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो एक बार इस मामले में लिप्त पाया जाए दोबारा इस कदम को, दोबारा नकल के बारे में सोचे बिना, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए आपको बताया कि जेल से छूटने के बाद फिर से ये लोग नकल करने का जो जिम्मा है छात्र छात्राओं का ले लेते हैं। पेपर आउट कराकर 3 शहरों में अभ्यर्थियों को रटाए गए उत्तर। रवि अत्री को भी आरओ एआरओ जो परीक्षा हुई थी उसमें आरोपी के रूप में पकड़ा गया है। राजीव नयन का बी वारंट जेल में तामील। राजीव ने प्रयागराज हवलदार ने गाजियाबाद, शरद ने संभाला लखनऊ। तो राजीव ने तो प्रयागराज को संभाला था और हवलदार ने गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद और लखनऊ को संभाला था शरद ने। अहमदाबाद में रेकी कर लीक किया गया पेपर। पेपर लीक गिरोह का एक और सरगना गिरफ्तार, सुभाष ने लीक कराया था आरओ एआरओ का पेपर। अरे कितने बड़े खुलासे हैं, कितना झोल झमेल है इसमें। सिपाही भर्ती में पकड़े गए रवि अत्री ने आरओ एआरओ परीक्षा का जो पेपर लीक का है उसका भी खुलासा किया है। तो देखिए भाई, बस अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही कहेंगे आप लोग के पक्ष में कि अब जो दोबारा से री एग्जाम आरओ एआरओ का हो या फिर कांस्टेबल का हो, वो ऐसा एग्जाम कराया जाना चाहिए जिसमें लीकेज देखने के लिए भी ना मिले। चाहो तो जितने भी लोग पकड़े हैं ना, इनको फांसी पर अगर लटकाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आगे जो भी नकलची नकल करने के विषय में सोचेगा 100 बार सोचेगा पहले, अगर इनके साथ ऐसा हो जाता है, वरना ये निकलेंगे जेल से बाहर फिर नकल कराएंगे किसी न किसी परीक्षा में, क्योंकि इनकी तो आदत खराब है, इनको तो रुपया पैसा कमाना है, ठीक है ना। पेपर लीक करा रहे हैं, 3-3 शहरों में रटवा रहे हैं। तो इस स्तर से आप लोग देख सकते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आपने हिसाब लगाया था, गणित लगाया था, वो आपकी थी ही नहीं, वो तो इन लोगों ने छीन ली थी आप लोगों से पहले ही। तो इनके लिए सरकार से आग्रह है कि इन्हें तब तक ना छोड़ा जाए जब तक यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता, यूपीएसआई का एग्जाम नहीं हो जाता, आरओएआरओ का एग्जाम नहीं हो जाता, और इनके जितने भी गुर्गे हैं ना, जो जितने भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं लोग, उनको और गिरफ्त में लिया जाए और अच्छी तरीके से इन पे, मतलब लाठी डंडा जो है वो बरसाया जाए, और हो सकता है फांसी वगैरह या फिर जो भी और प्रावधान कानून में बनते हैं उसके तहत इनको कठोर से कठोर सजा मिले, और ऐसी भी सजा जो आगे नकलची नकल करने से पहले 100 बार सोचे, ये कि योगी सरकार में नकल करना कितना बड़ा गुनाह है ना। हालांकि ये बात मतलब थोड़ा सा मतलब नागवार गुजरी। आपने देखा कि जो लोग पकड़े गए उन्हें पहले ही बेल पे
यानी उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब फिर क्या करेंगे, वो बाहर आके इसी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो फैलाने का काम करेंगे। तो आज बड़े खुलासे थे, आपने मेरे रनिंग बैकग्राउंड में भी देखे होंगे, मैंने बारी बारी सभी न्यूज को यहाँ पे संलग्न किया है, ठीक है ना। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अब आगे सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, कठोर से कठोर नियम बनाने की जरूरत है, और अब की बार पेपर लीक ना हो, कोई भी गरीब परिवार का बच्चा जो है इस पोस्ट से वंचित ना रहे, जिसने मेहनत की है वो इस पोस्ट पे लगे, ठीक ना। इन सभी की तरफ से मैं इतना ही कहूंगा, इन सभी लोगों को कठोर से कठोर, और जो आगामी भर्ती है उसमें नकल करने के विषय में कोई भी कैंडिडेट सोचे तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले। चलिए, लीकेज ना हो ऐसा प्रावधान सरकार को करना है। जय हिंद।